अपने इंटरकॉम से जेमी को बुलाया। जेमी के अंदर आते ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर गई। फिर वो वीर को देखने लगा। वीर ने जेमी से स्ट्रिक्टली पूछा, जेमी ये लड़की मेरे कैबिन में क्या कर रही है? जेमी उस लड़की से गुस्से में बोला, तुम शिखा हो ना, तुम सर के कैबिन में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए परमिशन किसने दिया? किसी फाइल में साइन चाहिए थे तो मुझे या मेघना को क्यों नहीं दिया? वो लड़की घबराते हुए बोली, जेमी सर मैं तो सर के लिए कॉफी लाई थी। तभी वीर जेमी से बोला, जेमी कॉल मेघना। जेमी बोला, यस सर। जेमी ने मेघना को कॉल करके बुलाया। मेघना कैबिन के दरवाजे पर आकर बोली, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? वीर ने अंदर आने का इशारा करते हुए मेघना से पूछा, मिस मेघना आप यहाँ क्या काम करती? मेघना बोली, सर मैं आपकी जूनियर सेक्रेटरी हूँ। वीर ने आगे पूछा, आप इन्हें अंदर आने की परमिशन कैसे दे सकती हैं? मेघना शिखा को देखकर बोली, सर मैंने परमिशन नहीं दी है, ये खुद आई होंगी। वीर ने शिखा से पूछा, मिस शिखा क्या आप इस ऑफिस के रूल्स जानती हैं? शिखा सर झुकाकर बोली, यस सर। वीर शिखा को समझाते हुए बोला, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ ऑफिस में काम करने आती हैं या वेटर का काम करने? अगर आपको यही काम करना है तो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करती हैं? फिर वीर मेघना से बोला, मेघना इनके 2 वीक के ओवरटाइम करने की फॉर्मेलिटी पूरी करो। अगर ये काम ना करना चाहे तो ऑफिस कॉल होने से पहले ही टर्मिनेशन लेटर इनके हाथ में दे देना, और आप और जेमी सभी एम्प्लॉइज को ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशन याद दिला देना। शिखा तो वीर के मुंह से वेटर सुनकर सदमे में आ गई थी। वो सोचकर तो कुछ और आई थी, पर हो कुछ और गया। और फिर अपने निकाले जाने की बात सुनकर रही सही कसर भी उतर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। शिखा रोता सा चेहरा बनाकर बोली, सर आई एम सॉरी, मुझे काम से मत निकालिए। वीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय कैबिन। वीर इतने जोर से चिल्लाया था कि शिखा के साथ साथ मेघना और वहां काम कर रहे एम्प्लॉयज भी डर गए। शिखा तो कांपने लगी थी। शिखा वहां से जाने लगी तो वीर ने पीछे से टोकते हुए कहा, ये कॉफी ले जाओ एंड जेमी मिस शिखा को यहाँ से ट्रांसफर करो, ये मेरे कैबिन के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। जेमी सर हिलाते हुए बोला, ओके सर। शिखा कॉफी उठाकर रोते हुए कैबिन से निकल गई। उसके पीछे से जेमी और मेघना भी चले गए। जेमी बाहर आया तो जो एम्प्लॉयज कान लगाकर सुन रहे थे उन्हें डांटते हुए काम करने का बोलने लगा। सबके जाने के बाद वीर ने फोन कान के पास लगाकर पाखी से कहा, हेलो। दूसरी ओर से पाखी बोली, वीर लंबी लंबी सांस लो और एक ग्लास पानी पियो, जो गुस्सा है ना वो ठीक हो जाएगा। वीर अपनी चेयर पर सर पीछे करते हुए बोला, जेरी मैं ठीक हूँ। पाखी चिंता करते हुए बोली, आप ठीक नहीं हो, मैं जो बोल रही हूँ आप वो करो, और सुनो जेमी भैया से ना अदरक इलायची वाली चाय मंगा कर पी लो। वीर बोला, ओके। तभी पाखी के घर का गेट खुलने की आवाज आई। पाखी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पापा अंदर आ रहे थे। पाखी चिल्लाते हुए बोली, पापा। अच्छा मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, मेरे पापा आ गए। पाखी ने वीर की बात सुने बिना ही फोन रख दिया और भागते हुए संजय जी के पास आई और उन्हें प्रणाम करके उनके गले से लग गई। संजय जी ने पाखी से पूछा, कैसी है मेरी बेटी? पाखी मुस्कुरा कर बोली, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? संजय जी बोले, मैं भी ठीक हूँ, और सब कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है?